गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ संदीप बजाज एंड एज यू नो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, द लास्ट लेसन. सो द राइटर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अल्फोंसे डोरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लिटिल बिट डिस्कस अबाउट द राइटर ऑफ दिस चैप्टर अल्फोंसे डोरेट. So Alphonse Daurat was a French writer. His father Vincent Daurat was a silk manufacturer who faced misfortune and failure in life. Daurat was a great writer. He published his first novel at the age of 14, and he was born on May 13, 1840. So जो Alphonse Daurat हैं वो एक French writer थे और उनके जो फादर थे उनका नेम था विंसेंट डोरेट एंड ही वाज अ सिल्क मैन्युफैक्चरर. वो सिल्क मैन्युफैक्चरर थे. उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की और जो डोरेट हैं वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे. ही वाज अ ग्रेट राइटर. उन्होंने अपना जो फर्स्ट नॉवल है वो 14 ईयर्स की एज में ही उनका जो नॉवल है फर्स्ट वो पब्लिश हो गया था. ही वाज अ पैट्रियट. He was pained at France's defeat in the war against Prussia. So actually वो एक देशभक्त थे और उनको बहुत ही फील हुआ जब फ्रांस जो है एक युद्ध जो हुआ था प्रशिया और फ्रांस के बीच, जब फ्रांस हार गया था उसमें. So as a result of the defeat, तो इस हार के कारण क्या हुआ कि टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की टू डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेस एंड लोरेन, पास्ट इनटू प्रशियास हैंड्स. तो जो इनकी जो टू डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की, एल्सेस एंड लोरेन, वो अब प्रशियास के हैंड्स में चली गई थी. और एक्चुअली में क्या था कि जो प्रशियास थे वो बहुत ही पावरफुल कंट्री थी. सो नाउ जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन दीज टू डिस्ट्रिक्ट अंडर देयर कंट्रोल. सो अब क्या हुआ कि जो जर्मन लैंग्वेज थी वो ज़बरदस्ती इन दो जो डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की उनमें, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में थी, तो उन्होंने जो जर्मन लैंग्वेज है वो ज़बरदस्ती उन पर थोप दी कि अब से जो फ्रांस में, फ्रांस की जो ये टू डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लोरेन, इसमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. दिस स्टोरी सेंटर्स अराउंड मिस्टर हैमल, अ डेडिकेटेड एंड पेट्रियोटिक टीचर. ये जो स्टोरी है वो पूरी मिस्टर हैमल के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड हैं और पेट्रियटिक टीचर हैं, देशभक्त हैं वो. ही हैड टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स. वो उन्होंने 40 साल तक जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, पढ़ाई की. बट नाउ जर्मन लैंग्वेज हैड बीन इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ दैट एरिया. लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब जो जर्मन लैंग्वेज है वो ज़बरदस्ती उन लोगों पे थोपी जा रही थी, उस एरिया के लोगों पे. द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे. दिस वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन. तो अभी जो न्यू टीचर हैं उसे नेक्स्ट डे आना था, और इसलिए ये जो लेसन है ये मिस्टर हैमल का जो लास्ट लेसन था. इन हिज लेसन ही गेव द मैसेज ऑफ पैट्रियटिज्म टू हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन. तो इस अपने इस चैप्टर में मिस्टर हैमल ने एक मैसेज दिया है देशभक्ति का अपने स्टूडेंट्स को और अपने देश के लोगों को. ही अर्ज्ड देम टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज. ही सेड दैट देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल. तो उन्होंने अपने देशवासियों और स्टूडेंट को एक इंस्पिरेशन दी है अपनी लैंग्वेज की रक्षा करने की, और कहा कि उन्होंने बताया कि जो उनकी लैंग्वेज है वही विदेशी शासन से मुक्ति पाने की एक ओनली की है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल समरी. नरेटर्स, हु इज नरेटर? नरेटर इज फ्रेंच. सो नरेटर्स फियर्स. फ्रेंच वॉज अ यंग बॉय. वन मॉर्निंग ही वॉज लेट फॉर स्कूल. द टीचर हैड आस्क्ड द पीपल्स टू कम प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स. अब फ्रेंच जो क्या है वो एक यंग बॉय है. एक दिन वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, तो द स्कूल टीचर हैड आस्क्ड, जो उनका टीचर है मिस्टर हैमल, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को
एक टॉपिक दिया था पार्टिसिपेंट्स का, जो कि उसको उनको प्रिपेयर करके आना था। बट फ्रेंच हैड नॉट लर्न द लेसन एंड ही वॉज श्योर दैट द टीचर एम हेमल वुड बी एंग्री। तो जो फ्रेंच है उसको डर था कि जो उनके टीचर हैं एम हेमल वो बहुत ही गुस्सा होंगे। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द टीचर्स रूलर। इट वॉज क्वाइट अ फाइन डे फॉर वंस। फ्रेंच वॉज टेम्प्टेड टू प्ले एंड एन्जॉय हिमसेल्फ इन द ओपन फील्ड्स बट ही कुड नॉट डेयर टू डू सो एंड रन टूवर्ड्स द स्कूल। तो उसे उनके डर भी था उनके रूलर का, टीचर के रूलर का कि, और फिर ये एक बहुत अच्छा दिन था। एक बार तो फ्रेंच के मन में आया कि वो मतलब खेले और एन्जॉय करे अपने घर पे इन द ओपन फील्ड्स, और लेकिन फिर उसे डर भी था इसीलिए उस वो अपना तैयार हुआ और स्कूल चला गया। तो टाउन हॉल सीन। ऑन द वे वाइल ही वॉज पासिंग बाय द टाउन हॉल ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो जा रहा था स्कूल में तो रास्ते में उसने देखा, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो उसने लोगों की भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के पास। दिस बुलेटिन बोर्ड हैड ब्रॉट एल्सिस ऑल द बैड न्यूज़ ओवर द पास्ट टू ईयर्स। ये जो बुलेटिन बोर्ड था इसमें क्या था कि हमेशा मतलब एल्सिस के बारे में हमेशा बुरी न्यूज़ ही आ रही थी दो सालों से। सो फ्रेंड्स presumed that there must be some other bad news, but he did not stop to inquire and rushed on. तो फ्रेंड्स ने भी सोचा, फ्रेंड ने सोचा कि शायद आज भी कोई ऐसी बैड न्यूज़ होगी, तो इसीलिए वो वहाँ रुका नहीं और उसने उसके बारे में इंक्वायरी नहीं की और ना ही पूछा उसके बारे में, और वो अपने स्कूल की तरफ जल्दी से चला गया। द ब्लैक स्मिथ हु हैड रेड द न्यूज़ ऑन द बुलेटिन टोल्ड फ्रेंड्स नॉट टू हरी। तो जो ब्लैक स्मिथ था जो कि उसने जिसने रीड जो न्यूज़ जो रीड की थी, तो उसने फ्रेंड्स को कहा मतलब उसे उसने कहा कि उसके पास बहुत टाइम है, नॉट टू हरी, यू नीड नॉट टू गो इन हरी। सो ही दैट ही सेड दैट हियर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सा टाइम है। सो बट फ्रेंड्स डिड नॉट स्लो डाउन। वो फ्रेंड जो है उसने अपनी मतलब जो चाल है वो धीमी नहीं की, वो तेज चलता रहा। ही थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज जस्ट पॉकिंग फन एट हिम। उसने सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा है। नाउ अनयूजुअल एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल। अब स्कूल का जो एटमोसफेयर था अनयूजुअल हुआ था। फ्रेंच वॉन्टेड टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। ही होप देयर वुड बी नॉइस एंड कमोशन एज यूजुअल। तो फ्रेंच चाहता था कि मतलब वो अपने जैसे स्कूल पहुँचे किसी को बिना मतलब किसी को पता भी ना चले और वो अपने स्कूल में पहुँच जाए। एंड उसने सोचा कि वहाँ पे बहुत ही मतलब नॉइस होगा और काफ़ी शोरगुल होगा जैसे पहले होता है। ही डिपेंडेंट ऑन दिस नॉइस एंड बसल टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। अब वो एक्चुअली में नॉइस का मतलब उसे जैसे शोर में मतलब जाने की आदत थी, एक्चुअली में वो लेट जाता था स्कूल बहुत कई बार, तो उसे एक हैबिट हो गई थी, इसलिए वो चाहता था कि कोई भी उसे नोटिस ना कर पाए। बट एज सून एज ही रीच देयर ही वॉज सरप्राइज। इंस्टेड ही फाउंड द स्कूल अनयूजुअली क्वाइट। स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। अब जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा तो वो बहुत ही हैरान हुआ कि जहां स्कूल में इतना शोर होता है आज बिल्कुल ही वहां मतलब एकदम शांत था सब कुछ। तो जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल अपनी सीट्स पे मीन चुपचाप बैठे थे। एम हेमल वॉज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल। ही वॉज सिंपली मूविंग अप एंड डाउन टू द रूम विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म। तो आज क्या था, जो मिस्टर हेमल थे वो मतलब आज वो टेबल पे अपना जैसे मीन जो रूलर है उसे नहीं जो मीन जो बेंच है उसे रूलर से नहीं बीट कर रहे थे। तो ही वॉज सिंपली मूविंग अप एंड डाउन द रूम वाई विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म। ही लुक्ड सीरियस एंड क्वाइट। देर वॉज नो चांस फॉर फ्रेंड्स टू एंटर द रूम अनसीन। तो जो मिस्टर हेमल थे वो अपना जो रूलर है वो उन्होंने अपने आर्म्स में मतलब रखा हुआ था और बहुत ही वो सीरियस और क्वाइट चुपचाप दिखाई दे रहे थे। तो फ्रेंच के लिए अब कोई ऐसा चांस नहीं था कि वो धीरे से चुपके से रूम में चला जाए।
फाइनली ही हैड टू ओपन द डोर एंड एंटर बिफोर एवरीबडी। तो फाइनली अब क्या हुआ कि उसे डोर जो है ओपन करना पड़ा और उसने रूम में एंटर किया। अनएक्सपेक्टेडली मिस्टर हैमल डिड नॉट रिप्यूक हिम। अब जैसे कि उसे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे आज डांट नहीं पड़ी। इंस्टेड ही स्पोक काइंडली टू हिम एंड टोल्ड हिम टू गो टू हिज डेस्क। बल्कि जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने उन्हें बड़े प्यार से बुलाया और सीट पे बैठने को कहा। एम हैमल इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। आज मिस्टर जो हैमल थे वो अपने बहुत ही अच्छे कपड़ों में थे, मतलब नए कपड़ों में थे। व्हेन फ्रेंड्स हैड सेटल्ड डाउन ही लुक्ड एट एम हैमल, देयर वाज अनदर सरप्राइज फॉर हिम। अब जैसे ही फ्रेंड जो है उस पर अपनी सीट पे बैठा तो उसने एम हैमल की तरफ देखा, ये उसके लिए एक और सरप्राइज था। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो आज उन्होंने क्या हुआ पहना हुआ था, एक मतलब बहुत सुंदर ही ग्रीन कोट पहना हुआ था आज मिस्टर हैमल ने। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, ही वॉर दीज क्लॉथ्स ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब ये जो कपड़े थे ये एक्चुअली में वो किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे, मतलब ब्लैक सिल्क कैप और फ्रिल्ड शर्ट ये स्पेशल ओकेजन पे पहना करते थे। बट इट वॉज़ नो स्पेशल डे एंड फ्रेंड्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई एम हैमल हैड वॉर्न हिज संडे क्लॉथ्स। तो अब हैमल को समझ नहीं आ रहा था कि आज मिस्टर जो हैमल हैं वो अपने संडे क्लॉथ्स क्यों पहन के आए हैं। सो विलेजर्स इन द क्लास, देर वॉज स्टिल अनदर सरप्राइज इन स्टोर फॉर फ्रेंच। द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास वर यूजली एम्प्टी, बट दैट डे दे वर ऑक्यूपाइड बाई सम विलेज पीपल, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ओल्ड हॉर्सर विद हिज थ्री कंसर्न हैड एंड सम अदर विलेज पीपल वर फाउंड सिटिंग ऑन दोज रियर बेंचेस। तो अब एक और सरप्राइज था उसके लिए, फ्रेंच के लिए, जो बैक बेंचेस कभी खाली पड़े होते थे, मतलब बिल्कुल खाली रहते थे यूजुअली, आज वो सारे ऑक्यूपाइड कर लिए गए थे कुछ विलेज पीपल के द्वारा। तो जैसे फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, होसर, तो मतलब सारे जो बेंचेस थे वो आज भरे हुए थे, सभी बैठे हुए थे लोग उस पर, और कुछ और जो गांव के लोग थे वो बैठे थे उन पीछे वाले बेंचेस पे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑर्डर बर्लिन से आया था। मिस्टर एम हैमल क्लाइम्ड अप हिज चेयर एंड स्पोक टू हिज पीपल्स इन अ जेंटल एंड सीरियस टोन। अब मिस्टर हैमल ने अपने जो स्टूडेंट से उनसे बात करनी शुरू की बहुत ही जेंटल वे में और सीरियस टोन में। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जो फ्रेंच है अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड जर्मन वॉज गोइंग टू बी टॉट एंड द न्यू टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव द फॉलोइंग डे। और उन्होंने कहा कि अब उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और उसका जो न्यू टीचर है वो कल आ रहा है। एज सच दे वर गोइंग टू हैव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट डे। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड वॉट ऑर्डर देयर वॉज ऑन द ब्लिटिंग बोर्ड एंड वाई द ब्लैक स्मिथ हैड टोल्ड हिम नॉट टू हरी। ही नाउ अंडरस्टूड वाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स। तो अब जो फ्रेंच है उसे समझ में आया कि क्या ऑर्डर मतलब आया है। उन्होंने बताया कि आज जो फ्रेंच में उनका लास्ट लेसन होगा आज उसके बाद नहीं होगा। तो अब फ्रेंच को समझ आ चुका था कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज़ थी और ब्लैक स्मिथ उसे जल्दी जाने को रोक क्यों रहा था, मतलब जल्दी करने को क्यों बोल रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने आज स्पेशल जो कपड़े हैं वो क्यों पहने हैं। फ्रेंच इज़ रिग्रेटफुल, फ्रेंच को पछतावा है। सो एज फ्रेंच गॉट दिस न्यूज़ ही फेल ट्रूली सॉरी। जैसे ही फ्रेंच को ये न्यूज़ पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स, एक्चुअली ही हैड हार्डली लर्न टू रीड एंड राइट। नाउ ही वुड हैव टू स्टॉप फॉर एवर। अब एक्चुअली में क्या था कि उसने इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखा ही नहीं था,
और लेकिन अब क्या उसे पता चल रहा था कि अब उसे हमेशा के लिए छोड़नी पड़ रही है। ही वॉज सॉरी टू हैव वेस्टेड हिज टाइम। अब उसे लग रहा था कि उसने उसे बहुत दुख हुआ, मतलब कि जो उसने अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया, मीन्स उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। ही हैड ऑलवेज बीन एन्जॉइंग हिमसेल्फ आउटडोर्स एंड हैड हेटेड हिज बुक्स। अब उसे एहसास हो रहा था कि मीन उसने अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया, मीन एन्जॉय करने में, और अब उसे अपनी बुक से मीन और उसने हमेशा अपनी बुक से नफरत। एंड ही हैड ऑलवेज ड्रेडेड एम हैमल एंड हिज आयरन रूलर। उसे हमेशा मिस्टर हैमल से और उनके जो आयरन का जो रूलर था उससे डर लगता रहा था। बट हिज एटीट्यूड सडनली चेंज, ही फेल्ट हिज बुक्स वर गुड कंपेनियंस। अब उसे महसूस हो रहा था कि जो उसकी बुक्स हैं वो मतलब उसकी अच्छी साथी थी। ही डिड नॉट माइंड मिस्टर हैमल्स रूलर एंड हिज रिब्यूक्स। अब उसे मीन जो उनकी जो मिस्टर हैमल हैं उनका रूलर और जो उनकी डांट थी वो अच्छे लगने लगे, अब उसे उनका बुरा नहीं लगा। नाउ ही ऑल्सो अंडरस्टूड वाई द पीपल ऑफ द विलेज वर देयर। अब उसे समझ आ गया कि जो लोग हैं गांव के वो वहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए थे। दे वर ऑल्सो सॉरी दैट दे हैड नॉट बीन टू स्कूल एट एनी टाइम। नाउ दे हैड कम टू थैंक द टीचर फॉर हिज फेथफुल सर्विसेज। तो अब जो लोग हैं उसे समझ आ गया, मतलब फ्रेंड को समझ आ गया कि लोग किस लिए हैं और उनको दुख हो रहा है कि जो उनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल हैं वो अब कभी भी स्कूल में नहीं आएंगे, इसके बाद न्यू टीचर आ जाएगा। तो अब वो उनका थैंक करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। फ्रेंच फेल्स टू रिस्पॉन्ड। एम हैमल आस्क फ्रेंच टू रिसाइड द रूल फॉर द पार्टिसिपेंट। फ्रेंच विश ही कुड से द रूल बट ही फेल्ड मिसरेबली। तो जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने फ्रेंच से पूछा, जो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स हैं उसके बारे में पूछा। फ्रेंच बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बता पाया, वो बताने में फेल हो गया। एम हैमल्स लास्ट लेसन। एम हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच। ही सेड दैट फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली पर्सन टू ब्लेम, द पीपल ऑफ एल्सेस हैड नेवर बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो मिस्टर हैमल जो हैं उन्होंने फ्रेंच को कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसे नहीं डांटा, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट नहीं है जिसको हम ब्लेम कर सकें। एक्चुअली जो एल्सेस के जो लोग हैं वो सीखने में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं हुए। दे वर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग एवरी थिंग ऑफ टिल टुमोरो। उनकी हैबिट है कि जो भी है वो कल पे छोड़ दो। फ्रेंड्स पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि जो फ्रेंड्स है वो कुछ पैसा कमाए स्कूल जाने की बजाय। ही सैड दे वर स्ट्रेंज फ्रेंच मैन हु कुड नॉट राइट और रीड देयर ओन लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो ये जो फ्रेंच मैन है जो मतलब वहाँ के लोग हैं वो बड़े अजीब हैं, वो स्ट्रेंज हैं, क्योंकि वो ना तो राइट कर सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को ना ही वो उसे रीड कर सकते हैं जो उनकी अपनी लैंग्वेज है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो। उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। ही सैड समटाइम्स ही गेव द स्टूडेंट्स अ डेज ऑफ वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि मीन कभी जब उन्होंने कभी कभी जो जब वो स्टूडेंट्स को मीन उनका डे ऑफ कर देते हैं, छुट्टी देते हैं, जब वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे। हैमल प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। हैमल ने जो फ्रेंच लैंग्वेज उसकी तारीफ की। हैमल देन प्रेज्ड हिज मदर टंग। ही सेड फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की जो कि उनकी मदर टंग थी उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ये एक दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरस्ट लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में है। ही अर्ज द पीपल टू स्टिक टू इट। ही अशोर्ड देम दैट इफ दे हेल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज दे वुड बी एबल टू गेट रीड ऑफ द फ्रिशियन रूलर्स। दे वुड बी एबल देयर लैंग्वेज वॉज अ की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी लैंग्वेज अगर आप वो चेंज नहीं करते हो और कंटिन्यू उसे सीखते हो और वही बोलते हो और जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो आप जल्दी ही जो प्रशियन रूलर्स हैं उनसे छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है वही आपकी आज़ादी की है।
M. Hamel teaches in usual manner. It was M. Hamel's last day at the school, but Hamel had the courage and devotion to do his teaching work as usual. एक्चुअली अब ये जो मिस्टर हैमल हैं उनका जो लास्ट डे था स्कूल में, बट जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने उसी करेज और उसी डिवोशन के साथ मीन स्टूडेंट्स को पढ़ाया. ही टॉट ग्रामर, गेव राइटिंग एक्सरसाइजेज एंड आस्क लिटिल चिल्ड्रन टू ट्रेस देयर फिश बुक्स. फ्रेंड्स लिसन टू हिज लेसन अटेंटिवली. उन्होंने उसी तरीके जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे ही उन्होंने मतलब टॉपिक्स उनको पढ़ाए अपने स्टूडेंट्स को, जैसे ग्रामर के टॉपिक, राइटिंग एक्सरसाइज एंड आस्क लिटिल चिल्ड्रन टू ट्रेस देयर फिश बुक्स हुक्स. तो और फ्रेंड जो था वो बड़े ध्यान से उनका जो लेसन है वो सुन रहा था. ही फेल्ट एम हैमल हैड नेवर एक्सप्लेन द लेसन एज क्लियरली एज ही डिड दैट डे. तो फ्रेंड को लगा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसे क्लियरली, मतलब जो चैप्टर है आज उन्होंने जो पढ़ाया है इससे पहले वो कभी उस तरीके से नहीं पढ़ाया. It appeared to him that as if he wanted to give his pupils all that he had to give. आज उसे लग रहा था कि जैसे जो अपने स्टूडेंट्स को वो सिखाना चाहते थे वो, मतलब आज वो उन्होंने सब कुछ सिखा दिया था जो तब शुरू से लेकर अब तक सिखाना चाहते थे. The school's dismissal. The church clock struck 12. अब जो चर्च की क्लॉक थी उसमें मतलब 12 बज चुके थे. इट वॉज़ टाइम फॉर द स्कूल टू क्लोज. ये स्कूल को बंद करने का मीन छुट्टी का टाइम हो चुका था. एम हैमल वांटेड टू से समथिंग. जो मिस्टर हैमल थे वो कुछ कहना चाहते थे, बट ही वॉज़ ओवरकम विद इमोशन. बट वो बहुत इमोशनली हो गए एंड ही रोट वाई वा ला फ्रेंड्स लॉन्ग लीव फ्रेंड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विद अ वेव ऑफ हिज हैंड ही डिसमिस द स्कूल. और अपना हाथ हिलाते हुए उन्होंने स्कूल को बाय बाय कह दिया. तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है. और मुझे लगता है कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी. एक ईजी वे में मैंने आपको समझाया. फिर भी किसी को डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ही और शी कैन मैसेज मी. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे.